हियर समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, वो एक चीज बाहर आ रही है, पेशेंट यही आकर बोलता है कि कुछ मेरे नीचे के रास्ते से कुछ बाहर आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास पेशेंट इसके अलावा प्राइमरी कंप्लेंट क्या करेगा? पहला है अगर यूरेथ्रल प्रोलैप्स है तुम्हारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से आएगा। दूसरा अगर वेसाइकल यानी ब्लैडर का प्रोलैप्स, वॉइडिंग डिफिकल्टीज, कई बार बहुत फ्रीक्वेंट जाना पड़ सकता है, कई बार बहुत स्ट्रेनिंग होनी पड़ सकती है, कई बार उसका यूरिन की सेंसेशन होगी बट पास नहीं होगा। यूटराइन प्रोलैप्स में हमारे पास बेसिकली वो उसकी यूट्रस की कोई ऐसी कंप्लेंट होती नहीं है खास, तो फॉलिंग आउट स्किल्स भी होगा। फिर पीओडी यानी कल्डेसैक, उसमें पेल्विक प्रेशर कंप्लेंट्स आएगा। रेक्टल में क्या कहते हैं पिक जो तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन है मेजरली उसके साथ आएगा, और पेरिनल में एनल इनकॉन्टिनेंस के साथ। फिर तुम्हारा आता है पॉपक्यू सिस्टम, पॉपक्यू सिस्टम तुम्हारी बुक्स में बना होगा, तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है कि पीछे ब्लैक शर्ट। हाँ तुमसे बात करो, साइड इधर देख रहे हो, नहीं अगर हंसना है तो बाहर जा सकते हो आराम से। पॉपक्यू सिस्टम इज द मोस्ट क्वांटिटेटिव एंड द बेस्ट बेस्ट अवेलेबल क्लासिफिकेशन। इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बट इट इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन विच इज बींग यूज। इसको हम नौ एक ग्रिड बनता है नौ बॉक्सेस का। सबसे पहले जो ऊपर वाला है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर वॉल, सबसे नीचे वाला दैट इज पोस्टीरियर वॉल, और जो मिड वाला है दैट इज योर जितनी भी तुम्हारी स्टैंडर्ड वो होंगी मेजरमेंट उस पेशेंट के लिए वो उसमें आएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के जो इसमें हम मेजर करते हैं उसमें हम लोग दो तरीकों से करते हैं। एक है जब हम पूरा ऑर्गन पेल्विक ऑर्गन का पूरा प्रोलैप्स को प्रोलैप्स जब बाहर होता है तब मेजर करेंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रोलैप्स को अंदर वापस रिड्यूस करके मेजर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बीच वाली तीन लाइन देते हैं, दैट इज फर्स्ट जिनाइटल हाइपस, दूसरा है पेरिनल बॉडी, तीसरा है तुम्हारा टोटल विजाइनल लेयर। ठीक है, जेनिटल हाइटस क्या है? जेनिटल हाइटस इज द डायमीटर जिसमें हम लोग जो यूरेथ्रल मीएटस है वहां से लेके तुम्हारा पोस्टीरियर मतलब हाइमन तक के पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है, यूरेथ्रल मीएटस और हाइमन जो भी वो वर्टिकल लाइन बनती है वो जितना भी मेजरमेंट है इन सेंटीमीटर वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, पेरिनल बॉडी जो है तुम्हारी उसका फिर हम वो लेंगे। पेरिनल बॉडी क्या होती है? तुम्हारा हाइमन से लेके एनल ओपनिंग तक, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी योर पेरिनल बॉडी। फिर टोटल विजाइनल लेंथ, इसमें क्या होगा कि जब पेशेंट को जो पूरा प्रोलैप्स है उसको तुम रिड्यूस कर दो, और उसके अंदर फिर जब हम नॉर्मली इसमें क्या करते हैं मेजरिंग वो आता है इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली अपने यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग जो तुम्हारा वो है पैप स्मियर का उस पर हम लोग सेंटीमीटर के स्केल की हेल्प से सेंटीमीटर के मार्क बना देते हैं एंड वी यूज दैट टू मेजर इट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पैप स्मियर के जो वो आयर स्पैचुला होता है उसके क्या क्या यूजेस हैं, के पैप स्मियर के अलावा वन ऑफ द यूजेस इन पॉपक्यू क्लासिफिकेशन, ये बुक में नहीं लिखा है, इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, फिर उससे हम लोग टोटल वजाइनल लेंथ, जितनी भी पूरी वजाइना की लेंथ है उसमें हमें पता चल जाएगा सेंटीमीटर में कितनी लेंथ है वो मेजर करेंगे। फिर आता है तुम्हारे बाकी के जो ऊपर एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल के पॉइंट, पहला है ए ए, ठीक है, ए ए इज 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द यूरेथ्रल मीएटस ऑन एंटीरियर वजाइनल वॉल। इसमें भी हम जो यूट्रस है उसको अंदर वापस रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जो तुम्हारा यूरेथ्रल मीएटस है वहां से लेके 3 सेंटीमीटर जितना भी अंदर होगा वहां एक मार्क बना देंगे। दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, तुमने 3 सेंटीमीटर जहां पर भी आ रहा होगा वहां पर तुमने एक पॉइंट बना दिया। सिमिलरली एपी है दिखा पोस्टीरियर वॉल का, सिमिलरली इसी सेम तरीके से हम पोस्टीरियर वॉल पर भी एक मार्क बना देंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ ना समझ आ रहा हो? जैसे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मुझे भी पता है, बट फिर तुम्हारे आता है पॉइंट बी ए और बी पी। अब तुमने वापस दो सब तुमने मार्क किए थे जब तुमने यूट्रस को रिड्यूस किया था, अब तुम वापस उसको प्रोलैप्स पोजीशन में लाओगे। ठीक है, अब जो मार्क तुम्हारा अंदर तुमने पॉइंट फिक्स किया था एक मार्क किया था वो तो बाहर आ गया, अब तुम्हें मेजर करना है कि वो कितना बाहर आया है। दैट इज योर बी ए एंड योर बी पी, दैट इज द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द अपर एंटीरियर वजाइनल वॉल। जितना तुम्हारा वो बाहर आ गया डिस्टल इज बाहर की तरफ, जितना भी वो पॉइंट अब बाहर की तरफ आ गया तुमने वो मेजर करना है। ठीक है, सेम इज योर अब सी एंड डी पॉइंट, सी इज तुमने सेंटर से सर्विस कितनी दूर है और डी इज की तुम्हारा सेंटर से पोस्टीरियर पीओडी कितना दूर पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ये प्लेस इन असॉर्टमेंट पोजीशन मेजर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तुमने जेनिटल हाइटस पेरिनल बॉडी पीवीएस सी एंड डी कर लिया, लास्टली ए ए ए पी बी ए बी।
पहला वाला जो फिगर है ए वाला, उसमें तुम्हें दिख रहा है कि पेनल बॉडी को मेजर कर रहा है वो. पेनल बॉडी इज फ्रॉम योर हाइमेन टू योर एनल ओपनिंग, ठीक है. जो बी वाला है उस सॉरी बी इज फॉर पेनल बॉडी एंड ए इज फॉर योर दैट ये जेनिटल हाइटिस, सॉरी. जो तुम्हारा सी है वो तुम्हारे, अब मैंने बताया ना कि ए ए पॉइंट जो है तुम्हारा उससे यूरेथ्रल मीटर से 3 सेंटीमीटर तुम्हें दिख रहा, 3 मार्क बने हुए हैं, 3 सेंटीमीटर फिक्स पॉइंट है जहाँ पे भी होगा माइक तुम्हें निशान बनाना है. तुम इस तरीके से मेजर करते हो. अगर तुम्हारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तुम ऐसे ही जो तुम्हारा पैप्स में है उसमें तुम ऐसे 1 सेंटीमीटर की मार्किंग बना के वो यूज कर सकते हो. कई बार वो अवेलेबल नहीं होता तो कॉपर टी की जो वो है उसमें भी मेजरमेंट्स होती हैं सेंटीमीटर की, वो भी यूज कर सकते हो. ट्यूबिंग होती है तुम इंसर्ट करते हो उसको भी यूज कर सकते हो. उसके बेसिस पे तुम स्टेजिंग करते हो. स्टेज जीरो में से कोई प्रोलैप्स नहीं है. स्टेज वन इज द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स इज मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन. टू में क्या है कि वो लेस देन 1 सेंटीमीटर लेकिन हाइमन के अंदर है. थ्री में क्या है, द मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ द प्रोलैप्स प्रोट्रूड आउट मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन बट नॉट मोर देन 2 सेंटीमीटर ऑफ द टोटल वजाइनल लेंथ. एंड ये फोर इज द कंप्लीट वजाइनल और यूट्राइन इवल्जन. एडवांटेजेस क्या है, इट इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड द क्वांटिटेटिव मेथड. देर इज नो डिफरेंस ऑफ द मेजरमेंट 0 सेंटीमीटर में, तो कोई भी इंटर ऑब्जर्वर डिफरेंस नहीं आएगा. रिजल्ट कैन बी इजिली कंपेयर्ड एंड कैन बी यूज इन रिसर्च सेटिंग. डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कंबर्सम है. इसका रेफरेंस पॉइंट इज हाइमन विच इज नॉट अ वेरी फिक्स्ड पॉइंट. कई बार वो दिखता भी नहीं इन पेशेंट्स विद प्रोलैप्स इतनी एजेड में. ऑल्सो जितने जो इसके लेटरल वजाइनल वॉल डिफेक्ट्स है वो इसमें क्वांटिफाइबल या इसमें नहीं कैलकुलेट होते. अब आता है एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स पे. एंटीरियर वजाइनल वॉल पे तुम्हारे दो चीजें लाई करती है, एक तो ब्लैडर, एक तुम्हारा लाई करेगा यूरेथ्रा, ठीक है. तो कंप्लीट अगर पूरा ही एंटीरियर वजाइनल वॉल जो है वो बाहर आ गया है, दैट इज नोन एज सिस्टो यूरेथ्रोसील. सिस्टो इज फॉर ब्लैडर, यूरेथ्रा इज फॉर यूरेथ्रा, सील इज फॉर प्रोट्रूडिंग आउट. कोई भी हर्निया होता है कहीं का भी तुम सील पढ़ते हो ना, उससे आगे वर्ड लगता है फिक्स, दैट इज अ सिस्टो यूरेथ्रोसील. सबसे पहले आता है दो टाइप के होते हैं, डिस्टेंशन टाइप. डिस्टेंशन टाइप में आएगा तुम्हारा सिस्टोसील. जब तुम विजाइना की रिलेशंस पढ़ते हो, किसी को याद है विजाइना का जो एंटीरियर अपर टू थर्ड पार्ट है वो ब्लैडर से रिलेटेड होता है, तो अगर वो वाला पार्ट डिसेंट आउट कर रहा है बाहर, दैट इज नोन एज सिस्टोसील. इसमें क्या होगा, विजाइना की जो रुगोसिटीज है वो खत्म हो जाएंगी और लेकिन लेटरल सर्कस मेंटेन्ड रहेगा. रेडियोग्राफिक में अगर तुम देखोगे क्या कहते हैं जो IVP वगैरह कराते हो, तो तुम्हारा जो बॉर्डर है ब्लैडर का वो क्यूबिक सिम्फाइसिस के लोअर मार्जिन पे आएगा, इंटीरियर मार्जिन पे. इसकी भी ग्रेडिंग होती है. ग्रेड वन इज बल्जिंग ऑफ द सिस्टोसील इनसाइड द वजाइना ऑन स्ट्रेनिंग. टू इज की वो वल्वल आउटलेट से बाहर आ रहा है ऑन स्ट्रेनिंग. थ्री इज की वो इंट्रोइटिस के बाहर आ रहा है. और फोर्थ इज की इवन विदाउट स्ट्रेनिंग तुम्हारा सिस्टोसील बाहर की, मतलब इट्स प्रोट्रूडिंग आउटलेट. फिर यूरेथ्रोसील जो लोअर वन थर्ड है जहाँ पे यूरेथ्रा लाइक करती है वजाइना की रिलेशन में, अगर वो पार्ट प्रोट्रूड आउट करे, दैट इज नोन एज यूरेथ्रोसील. पहला वाला था तुम्हारा डिस्टेंशन टाइप, ये वो डिस्टेंड हो रहा है. दूसरा है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वो अपनी नॉर्मल जगह से डिस्प्लेस हो गया है. उसमें क्या है, नॉर्मली इसमें सारे तुम्हारे पैरा वजाइनल डिफेक्ट्स आते हैं. इसमें तुम्हारे जो वजाइनल रुगोसिटीज है वो मेंटेन रहेगी. पहले वाले सॉरी जो तुम्हारा डिस्टेंशन टाइप था इसके अंदर जो विजाइनल रुगोसिटीज है वो लॉस्ट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइप में तुम्हारी प्रिजर्व रहेगी. इसमें लेटरल सर्कस लॉस्ट हो जाएगा, ये डिफरेंस है दोनों में. फिर आते हैं हम पोस्टीरियर विजाइनल वॉल डिफेक्ट्स पे. पोस्टीरियर विजाइनल वॉल पे तुम्हारे दो चीजें मेनली लाइक करती है. एक तो आ रहा है तुम्हारे बाउल लूप या इंटेस्टाइन, और दूसरी चीज आ रही है तुम्हारा रेक्टम. तुम्हारा बाउल लूप है उसका एक ही जगह से रिलेशन आता है जो POD का पार्ट है, ठीक है. अगर जो अपर वन थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल अगर वो डिसेंड करता है बाहर, दैट इज नोन एज एंटेरोसील. एंटेरोन मीन इंटेस्टाइन, अगर वो प्रोट्यूट करे दैट इज एंटेरोसील, ठीक है. इसमें क्या है, इसमें चार टाइप के हो सकते हैं, या तो कंसनेंटल हो, या पल्सन टाइप हो, या ट्रैक्शन टाइप हो. कि पहले वो यूटेसी ऑलरेडी इतना नीचे प्रोट्यूट आउट कर गया कि उसके फोर्स अट्रैक्शन से तुम्हारा जो पाउच ऑफ डगलस है वो भी नीचे प्रोट्यूट कर रहा है, उसके साथ साथ अंदर इंटेस्टाइन है वो भी नीचे आ गए. या फिर कोई आइट्रोजेनिक कॉज हो, तुमने वजाइनल हिस्टेक्टमी करी, तुमने उस टाइम पे एंटेरोसील था नोटिस नहीं किया, या फिर ढंग से रिपेयर नहीं किया, तो उसमें क्या होगा कि तुमने रिपेयर नहीं किया तो वो तो डिफेक्ट तो वहीं का वहीं रहा. आफ्टर दैट पेशेंट विल प्रेजेंट विद वॉल प्रोलैप्स, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली एंटेरोसील देखा जाता है. फिर आता है इसमें भी ग्रेडिंग. ग्रेडिंग में यह है कि अगर सिर्फ अपर वन थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल में एंटेरोसील है, दैट इज योर ग्रेड वन. अगर मिडिल वन टू
मिडिल थर्ड में भी आ गया है, दैट इज योर ग्रेट थ्री, और अगर लोअर थर्ड में भी तुम्हारे इंटेस्टाइन प्रोट्यूड आउट कर रही है, दैट इज योर ग्रेट थ्री टाइप ऑफ एंटेरोसील. एंटेरोसील और रेक्टोसील में तुम नॉर्मली डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? दो तीन छोटे छोटे तरीके हैं. पहला ये है कि जब तुम पीआर करोगे, पीआर और पीवी दोनों साथ में करोगे, तुम्हारे जो फिंगर्स है, अगर तो वो तुम रेक्टम में होगे तो तुम आपस में मिल जाएंगी. इंटेस्टाइन वाले तुम्हारे इंटेस्टाइन में फिंगर थोड़ी जाएगी, इंटेस्टाइन तक लूप तक, तो वो तुम्हारी आपस में नहीं मिलेगी. दूसरा ये है कि कई बार इंटेस्टाइन से तुम्हें गर्गलिंग साउंड भी सुनाई दे सकती है जो तुम्हें रेक्टम में नहीं मिलेगी. तुम इसको एंटेरोसील और रेक्टोसील से ऐसे नॉर्मली दो तीन चीजें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. फिर आते हैं हम रेक्टोसील में. रेक्टोसील का मतलब क्या है? रेक्टम प्रोट्यूड आउट कर रहा है. नॉर्मल जो तुम्हारा लोअर टू थर्ड पार्ट होता है उसमें रेक्टम रिलेशन में आता है वजाइना के, अगर वो प्रोट्यूड आउट कर रहा है तो दैट इज योर रेक्टोसील. वो डिपेंड कर सकता है कि ग्रेडिंग इसकी डिपेंड करती है इसके साइज के ऊपर. अगर तो लेस देन 2 सेंटीमीटर का है तो दैट इज योर ग्रेड 1, बिटवीन 2 टू 4 इज 2, एंड मोर देन 4 इज थर्ड ग्रेड. और इसके अलावा आता है डेफिशिएंट पेरिनियम. पेरिनियल बॉडी नॉर्मली अपनी इंडियन वुमेन्स में कहाँ डेफिशिएंट, क्यों डेफिशिएंट होती है, वो ये है क्योंकि हमारे पास वुमेन मल्टीपल वजाइनल बर्थ्स होते हैं. होम डिलीवरीज होते हैं तो प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता. इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज अगर होती हैं तो उसमें ज्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं. एपिजियोटमी अगर प्रॉपरली स्टिचअप नहीं हुई तब तुम्हारा पेरिनियल बॉडी डेफिशिएंट होता है. जो तुम्हारा इंटर बिटवीन चाइल्ड बर्थ का जो टाइम होता है, अगर तुमने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया या फिर टाइम प्रॉपर नहीं ड्यूरेशन रहा, उसको हील होने का टाइम नहीं मिलेगा पेरिनियल बॉडी को, तो भी वो डेफिशिएंट हो सकती है. उसके अलावा आता तुम्हारा लेटरल डिफेक्ट यानी पैरा वजाइनल या पैरा रेक्टल डिफेक्ट आ सकते हैं. फिर आता है वर्ल्ड प्रोलैप्स. वर्ल्ड प्रोलैप्स का मतलब यह है कि तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है पहले फॉर वॉट सो एवर रीजन, प्रोलैप्स की वजह से हुई हो, एयूबी की वजह से हुई हो, किसी भी रीजन से तुम्हारी हिस्टेरेक्टमी हो रखी है, लेकिन उसके बाद उसका डिसेंट हो रहा है, द वर्ल्ड तुमने बना उसका अगर डिसेंट हो रहा है, दैट इज योर वर्ल्ड प्रोलैप्स. इसमें क्या है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द वजाइनल एपेक्स इज 5 सेंटीमीटर इंफीरियर टू द सेकंड सेक्रल बॉडी वर्टिब्रा एंड 5 सेंटीमीटर मीडियल टू द इप्सिलैटरल सेम साइड की इश्योस्पाइन. इसका इंसिडेंस इज अराउंड 4 टू 6 पेशेंट इन ऑलमोस्ट 1000 पीपल. ग्रेडिंग कैसे होगा? ग्रेड 1 में तुम्हारा आएगा कि जो वॉल्ट है, वॉल्ट बेसिकली वॉल्ट का मतलब क्या है, जहां पे तुमने हिस्टेक्टमी करी, तुमने यूकस जहां बाहर निकाल दिया, अब उसका तुम जो डिफेक्ट है उसको क्लोज करोगे ना, जहां पे भी वो क्लोज किया उसको वॉल्ट बोलते हैं. ठीक है, अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे आ जाए इंट्रोइटस तक के लेवल पे, दैट इज योर फर्स्ट डिग्री. इंट्रोइटस को क्रॉस कर जाए, दैट इज सेकंड डिग्री, एंड इट ऑलवेज लाइज आउटसाइड द इंट्रोइटस इज योर थर्ड डिग्री. ये देखिए इसमें तुम्हें सर्विक्स नजर नहीं आ रहा, इसमें तुम्हें सर्विक्स नहीं, नॉर्मल सर्विक्स यूट्रस फील हो जाता है, इसमें तुम्हें सर्विक्स यूट्रस कुछ नहीं दिखेगा. अब आते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से. नॉर्मली पेशेंट तुम्हारे पास एक कंप्लेंट के साथ आएगा मेजर, दैट इज समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना. उसके अलावा पेशेंट के पास डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं. एक होता है बल्ज, जो तुम्हारा बाहर निकल रहा है उसकी वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. एक है कि उसको सेंसेशन होगी वजाइनल बल्ज या प्रोट्रूजन कमिंग आउट, सेंसेशन ऑफ एनी वजाइनल या पेरिनियल बल्ज, पेल्विक प्रेशर या हैवीनेस की उसे कंप्लेंट होगी. फिर आते हैं सेक्सुअल सिम्टम्स, डिस्पेरोनिया, डिक्रीज लुब्रिकेशन, डिक्रीज सेंसेशन, पेन हो सकता है, पेन वजाइना, ब्लैडर, रेक्टम, पेल्विक पेन, लोअर बैक पेन. क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक बल्ब बाहर ट्रैक्शन हो रहा दिखे, तुम्हारे सारे मसल्स जितने भी लिगामेंट्स सब टॉट हो रहे हैं, सब खिंच रहे हैं, दैट विल कॉज पेल्विक पेन. यूरिनरी सिम्टम्स, उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यूरिनरी अर्जेंसी रहेगी, हेजिटेंसी रहेगी, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्पटिंग ड्यूरिंग वॉइडिंग. पेशेंट को मैनुअल रिड्यूस करना पड़ेगा, तुम्हें बताया गया कि मैं वापस उसको अंदर करते फिर जाके यूरिन पास कर पाती हूँ प्रॉपरली. प्लस पोस्टरल चेंजेस में भी आता है डिफरेंस. बाउल सिम्टम्स में इनकॉन्टिनेंस टू फ्लैटर स्टूल, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, हार्डनिंग ऑफ स्टूल एंड डेफिकेशन. अर्जेंसी हो सकती है, उसमें भी पेशेंट को यही कहेगा कि मुझे वापस मैनुअली रिड्यूस करना पड़ता है टू हैव अ कम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल. हिस्ट्री में तुम्हें पेशेंट जब आएगा तुम्हें उससे ड्यूरेशन पूछना है, जितनी मतलब मेजरली तुम्हारे पास जो पेशेंट है वो समथिंग कमिंग आउट ऑफ द कंप्लेंट से आ रहा है, तुम्हें नॉर्मली उसका ड्यूरेशन पूछनी है. अगर पेशेंट तुम्हें कंप्लेंट करे कुछ चीज़ बाहर आ रही तो मतलब नॉर्मली वो ग्रेड 4 तो हो ही गया अपने आप है, तो उसको बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होगा. बोलेगा 10 साल से कुछ बाहर आ रहा है, 5 साल से कुछ बाहर आ रहा है, 6 साल से, ऐसे कंप्लीट करेगा. इट वोंट गिव अ एक्यूट हिस्ट्री, 1 महीने से आ रहा है, 2 महीने से बाहर आ रहा है, ऐसी नहीं हिस्ट्री देगा कोई. उसके अलावा जितनी तुम्हें कंप्लेंट्स बताई हैं वो सारे तुम इलिसिट करोगे, ड्यूरेशन की कब जाता है, कैसे उसके रिलीव होता है, रिलीविंग फैक्टर, जैसे तुम सोडियम पड़ते हो, एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, तुम्हें सब नोट डाउन करना है. कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर यानी उसको सीओपीडी हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो उसको, कोई एब्डोमिनल स्वेलिंग हो, साइटिस हो, कोई भी ऐसा कॉज हो, टीबी की हिस्ट्री रही हो, जब क्रॉनिक कफ करता है तो उसमें इंटर एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है. फिर ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, बर्थ इंजरी, जैसे मैंने सब बताया, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अ प्रोलैप्स.
शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल, पैरिटी, जितनी ज्यादा पैरिटी होगी उतने चांसेस प्रोलैप्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे। इसमें नॉर्मली ये भी कहते हैं सिजेरियन इज काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, क्योंकि सिजेरियन में तुम्हारी पेरिनल बॉडी या मसल्स कुछ भी टॉट नहीं होती, एब्डोमिनल को तुम खोलते हो, इससे नॉर्मल डिलीवरी इंक्रीजेस द चांस ऑफ प्रोलैप्स एंड सिजेरियन इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव फॉर इट। लॉन्ग लेबर हो, बिग बेबी हो, पेरिनल एक्सरसाइज नहीं करी हो, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी यानी कि पोस्ट मेनोपॉज़ल पेशेंट्स में ज्यादा होता है प्रोलैप्स, फिर कोई से पहले ट्रीटमेंट ले रखी हो उसने, कोई सर्जरी करा रखी हो, पेस्ट्री यूज की हो, कोई कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह कर रखी हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री भी सेम रही हो। फिर आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पेशेंट के तुम जनरल कंडीशन एग्जामिन करोगे, एब्डोमिनल साइट एग्जामिन करोगे, एब्डोमिनल साइट मेन फोकस करना है बाकी हर्निया साइट से, बिकॉज दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हर्निया। बाकी हर्निया की भी कॉमन कॉजेज प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स सीओपीडी और ये इंटरअब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसमें भी कॉमन होते हैं, तो उसको हमेशा रूल आउट करोगे साथ में। फिर जो इसमें मेन आता है वो तुम्हारा लोकल एग्जामिनेशन होता है। लोकल में तुम्हें और पीएस एग्जामिनेशन है, पेशेंट को तुम लिथोट कर ले बात, पहले हमें बता दे क्या बात कर रही है, यहाँ से पता है ना सब दिखता है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा आगे वाले को, तो तुम बेवकूफ हो इस चीज में। फिर आते हैं लोकल और पीएस एग्जामिनेशन में, लिथोटमी पोजीशन में करते हैं इसको। इसमें तुम पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेरिनियम को तुम एग्जामिन करोगे, कोई पुराना टीयर हो, पेरिनियल बॉडी की इंटेग्रिटी कैसे, वो नॉर्मली हम लोग एक मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड स्कोरिंग होती है उससे करते हैं। फिर एनी लीकेज या कफिंग, जो कोई यूरिनरी कंप्लीट हो तुम उसको एग्जामिन करोगे। लैब को तो मैक्सिमम स्ट्रेनिंग के साथ करते हैं एग्जामिन, जैसे पॉप्यू मैंने तुम्हें बताया था। उसके अलावा सर्विस की क्या कंडीशन है, हाइपरट्रोफिड है, कंजेस्टेड है, एडिमा है, कोई अल्सर प्रेजेंट है, केराटिनाइजेशन है, कोई इन्फेक्शन है, तुम्हें वो नोट डाउन करना है। हमेशा पैप स्मियर लेना है, कोई भी पेशेंट तुम गायनी का एग्जामिन करो कभी भी, पैप स्मियर इज अ मस्ट, अब रूटीन में आ गया है। तुम किसी पेशेंट को बिना पैप स्मियर के भेजोगे इट कैन बी अ मेडिको लीगल थिंग नाउ। फिर यार तुम उसका डिग्री एलिसिट करोगे, टेस्टोसील हो, रेक्टोसील हो, एंटेरोसील हो, जो भी तुम उसको देख रहे हो तो उसकी तुम्हें डिग्री साथ में नोट करनी है, और साथ में कोई और अनाटमिक डिफेक्ट हो तो उसको नोट डाउन करना है। उसके साथ नॉर्मली पेशेंट तुम्हारे पास स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी प्रेजेंट कर सकता है, तो उसके लिए तुम बोनी स्ट्रेस टेस्ट करते हो। फिर बाकी तुम्हें पर्वजालन में बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करना है, डायरेक्शन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस हमेशा इसमें रेट्रोवर्टेड रेट्रोप्लेक्स मिलेगा, उसका साइज क्या है, मोबाइल है या नहीं है, या फिर साथ में कोई एसोसिएटेड इंडेक्सल मास प्रेजेंट है या नहीं। उसके अलावा तुम करते हो पेल्विक मसल्स की इंटेग्रिटी को चेक, इसलिए मैंने बताया मॉडिफाइड ऑक्सफोर्ड स्केलिंग आती है तुम्हारे लेवल का नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। नॉर्मली जो तुम्हारा प्रोलैप्स है इसमें कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तुमने जितनी तुम इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट फॉर पैप स्मियर की वो रूटीनली करते हो, उसके अलावा जितनी भी सारी इन्वेस्टिगेशन है या तो वो इस चीज़ के लिए है कि तुम्हें साथ में स्टेशनरी इनकॉन्टिनेंस को रूल आउट करना है, या फिर वो इसलिए कि साथ में वो किसी और कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करी थी वो तुम्हें, तो वो रूल आउट करनी है। बाकी सारे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन दैट इज फॉर ऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इज मोस्टली ऑपरेटिव, कोई इसमें कोई तुम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है इस पेशेंट में, ऐसे पेशेंट में। ऐसे में जो पेशेंट तुम्हारे पास समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना की कंप्लेंट से आता है, जरूरी तो नहीं है कि वो प्रोलैप्स ही हो, उसके अलावा क्या हो सकता है, एक तो है क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या है कि तुम्हें जो भी ओपनिंग विजिबल पॉइंट है, लीडिंग पॉइंट, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। दूसरा है मतलब यूट्रस का इन्वर्जन में तुम्हारे पास सर्विक्स बाहर नहीं आएगा, अंदर से जो फंडस है वो प्रोट्रूड आउट करेगा, लेकिन प्रोलैप्स में तुम्हारा सर्विक्स और प्रॉपर यूट्रस प्रोलैप्स करेगा नीचे, समझ रहे हो बात को। फिर तुम्हारा कोई पॉलिप हो, कोई लार्ज फाइब्रॉइडल पॉलिप हो या एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, वो प्रोट्रूड आउट कर रहा है थ्रू सर्वाइकल ऑस। फिर है तुम्हारा सिर्फ सर्विक्स का ही इलॉन्गेशन हुआ हो, कोई सिस्ट हो आसपास, गार्टनर सिस्ट हो या फिर बार्टोलियम सिस्ट हो, कोई फाइब्रॉइड हो, यूरेथ्रा करंकल हो, वेरिकोज वेन हो या रेक्टल प्रोलैप्स। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जितनी उसकी कंप्लेंट्स है सारी तरीके से कॉम्प्लिकेशन ही, कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा, यूटीआई, क्योंकि इसमें तुम्हारा यूरेथ्रा खिंच रहा है, ब्लैडर खिंच रहा है, तो पीछे बैक प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है एंड रियली इट मे कॉज टू यूरेमिया। फिर बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, अल्सरेशन ऑफ वजाइनल वॉल, एडिमा, कंजेशन, केराटिनाइजेशन, डिक्यूबिटस अल्सर फॉर्म करेगा। डिक्यूबिटस अल्सर क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोलैप्स पार्ट है वो बाहर पड़ा हुआ है, वो बार बार उसमें केराटिनाइजेशन होगी, उसमें इंजरी होगी, तो उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो अल्सर बनेगा, दैट इज नोन एज डिक्यूबिटस अल्सर। फिर इम्पैक्टेड पेसरी, बहुत जो पुराने बूढ़ी माताएं जी होते हैं वहाँ पे पेसरी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो पेसरी इंसर्ट करके वो वहीं छोड़ देते हैं, वो बाहर निकालते ही नहीं उसको, तो भूल जाते हैं कि कई बार की पेसरी अंदर ही पड़ी हुई है, तो वो और इन्फेक्शन कई बार कॉज कर देता है। साथ में रेयरली कार्सिनोमा हो सकता है।
मॉर्बिड चेंजेस में मोस्टली तुम्हारा आएगा डिक्यूबिटस अल्सर, जैसे बताया क्रेटिनाइजेशन होता है, क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है वहां पर, इन्फेक्शन होगा, वो अल्सरेशन कॉज करेगा। ये कहाँ पर होगा? जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होगा प्रोलैप्स का, वहां पे तुम्हें डिक्यूबिटस अल्सर मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि तुम्हें पेशेंट को हमेशा जो तुम्हारा प्रोलैप्स पार्ट है, जब तक वो तुम उसको अंदर रिड्यूस नहीं करोगे वो सही नहीं होगा। तो उसको सही करने के लिए पेशेंट को पहले तुम्हें जो प्रोलैप्स पार्ट है उसको रिड्यूस करना है, और उसको तुम्हें अंदर पैकिंग करनी है। एक गॉज पीस के ऊपर तुम्हें ईस्ट्रोजन क्रीम और क्या कहते हैं नॉर्मली हम सुमैक की ड्रेसिंग्स आती हैं जिसमें ग्लिसरीन होता है, उसको डाल के तुम अंदर डालो। दैट विल हेल्प इन योर हीलिंग। अगर तुम बिना इसके हील किए तुमने अगर हिस्टेक्टमी कर दी तो वो तो इन्फेक्टेड पार्ट है, वो तुम्हारे पूरे जो साइट है सर्जिकल साइट उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो यू हैव टू फर्स्ट ट्रीट डिक्यूबिटस अल्सर, देन यू कैन प्रोसीड फॉर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फिर सर्विक्स में अगर वजाइनल पार्ट तुम्हारा वो कर रहा है डिसेंट, तो उसमें क्रॉनिक कंजेशन हो सकती है, वजाइनल पार्ट में इलोंगेशन हो सकती है, रिटेंशन, सिस्टाइटिस, हाइड्रोयूरेटिक चेंजेस आ सकते हैं, इनकार्सरेशन हो सकता है, पेल्विक पेरिटोनाइटिस हो सकता है। प्रिवेंट करने के लिए जितने भी हमने इसके रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे उसको तुम्हें अवॉइड करना है। पहला क्या है, प्री मेच्योर बेयरिंग डाउन नहीं करना। बेबी की क्राउनिंग नहीं हुई, तुमने उसको पहले से ही बोल दिया कि बेयर डाउन करो, तो उससे तुम्हारी स्ट्रेन पड़ेगी मसल्स के ऊपर, दैट विल कॉज इट्स वीकनिंग। सेकेंड स्टेज अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया तो तुम्हारे उसमें अगेन फिर मसल्स से स्ट्रेनिंग पड़ेगी। फिर जो टीयर जाएगा तुम्हें ढंग से नहीं स्टिच किया, या एपिजियोटमी हो या कोई भी टीयर हो, डिलेट एब्जॉर्बर सूचर्स यूज किए हो, बाकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस नहीं करी हो उसने ढंग से, कॉन्स्टिपेशन रहता हो। आफ्टर डिलीवरी पेशेंट बहुत देर तक बेड पे बेड रेस्ट पे है, अर्ली एम्बुलाइज नहीं कर रही है, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस नहीं कर रही है, दैट मे कॉज योर प्रोलैप्स। तो तुम्हें उसको इनकरेज करना है कि अर्ली एम्बुलाइजेशन करो, एक्सरसाइजेस करो, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए ताकि तुम्हारा जो इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल है उसको वो रिड्यूस हो जाए, मतलब बढ़ जाए। प्रॉपर न्यूट्रिशन। फिर ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी जो बता रही हूँ, आइट्रोजेनिक कॉज होता है। कई बार तुम उसमें क्या करते हैं कि हम उसका एंट्रोसील को रिपेयर करना भूल जाते हैं, या फिर प्रॉपर सूचर्स लाइगेट मतलब सॉरी लिगामेंट को लाइगेट नहीं करते। तो प्रॉपर वॉल सस्पेंशन होना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वॉल प्रोलैप्स ना हो उसको। पीओडी को तुम्हें ढंग से ऑब्लिट्रेट करना ताकि उसको फ्यूचर में एंट्रोसील ना हो। सेक्रोपेक्सी कर सकते हैं, या फिर उसको अगर ईस्ट्रोजन डेफिशिएंट है तो उसको हम ईस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अब आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में तुम्हारा दो चीजें, या तो नॉन सर्जिकल चीजें होंगी या फिर सर्जिकल होगी, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट से एसोसिएटेड कोई कोमोर्बिडिटी हो उसके लिए यूज होता है। नॉन सर्जिकल में तुम्हारे सबसे पहले आते हैं, एक तो आती है पेसरी, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज पेसरी। दूसरा है बायोफीडबैक थेरेपी, और थर्ड है तुम्हारा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। फिर जो तुम्हारा नॉन सर्जिकल है वो कब यूज करोगे? जब तुम्हारा मिनिमल प्रोलैप्स हो, या ग्रेड वन हो, या मैक्स टू मैक्स ग्रेड टू हो, कोई उसको एसोसिएटेड सिम्टम नहीं आ रहा है पेशेंट को, पेशेंट इज सिम्टम फ्री। सेकेंड इज प्रोलैप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तुम सर्जरी तो नहीं करोगे, तो टिल दैट टाइम जितना उसकी प्रेगनेंसी खींच जाए तब तक तुम इस मेथड को यूज कर सकते हो। पेशेंट अनफिट है सर्जरी के लिए, या फिर उसका कोई एसोसिएटेड जैसे अनीमिया है, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 6 ग्राम, उसका पेशेंट का बिल्टअप करना है, क्योंकि तुम्हें सर्जरी के लिए वेट करो ड्यूरिंग दैट पीरियड की 1-2 महीने का टाइम है, तब तुम पेसरी वगैरह यूज कर सकते हो। इसमें क्या आएंगे, एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे ओबेसिटी है इट्स अ कॉजिंग फैक्टर, तुम पेशेंट को बोलोगे तुम वेट रिड्यूस कर सकते हो, कम से कम वेट लिफ्टिंग करें, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करेंगे तो उससे इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, दैट विल इंक्रीज चांसेस फॉर प्रोलैप्स। कॉन्स्टिपेशन है तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है। हाइपोस्टेजेनिक कंडीशन है तो ईस्ट्रोजन दोगे उसको तुम आप बाहर से एक्सोजेनस, और पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग बोलोगे। ग्रेड थ्री जो है तुम्हारी, ग्रेड थ्री और फोर में क्या है, ग्रेड थ्री में तुम्हारा जो प्रोलैप्स है वो वजाइना के बाहर तो आएगा लेकिन वो स्ट्रेनिंग पे आएगा, और फोर पे बाहर ही पड़ा रहेगा। उसके साथ जो बाकी कंप्लेंट्स होगी तो दूसरी तुम्हें पेशेंट बोलेगी जब मैं स्ट्रेन करती हूँ तो वो बाहर आ जाता है। दूसरा ये है कि उसका एसोसिएटेड यूरिनरी कंप्लेंट भी होगी और उसके साथ जीआईटी कंप्लेंट्स भी होगी। जीआईटी में नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन रहता है, यूरिनरी में जितने मैंने भी बताए थे इनकॉन्टिनेंस होगा, उसको अर्जेंसी होगी, हेजिटेंसी होगी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होगी, ये सब उसको होगी। पेशेंट को बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन भी होता है, क्योंकि उसका सारा जो बल्ज है वो बाहर ही पड़ा रहता है। एक बार पेशेंट तुम्हारे पास डिक्यूबिटस अल्सर ही कंप्लेंट के साथ ही आती है कि घाव हो गया नीचे मेरे, और वो जो वो है वो ब्लीड करता है, तुम्हारे पास पेशेंट पोस्ट मेनोपॉज ब्लीड के साथ आएगी, इवन आफ्टर मेनोपॉज ब्लीड कर रहा है, उसको थोड़ी पता कि अल्सर हो रखा है, तुम्हारे पास पोस्ट मेनोपॉज ब्लीड के साथ आएगी। कई बार वो तुम्हारे पास डिस्प्रोनिया के साथ आएगी या पोस्ट पोर्टल ब्लीड के साथ आएगी, एक तो हाइपोस्टेजेनिक कंडीशन और है, प्लस उसके अल्सर भी बना हुआ तो इस कंप्लेंट के साथ भी आ सकती हो। फिर पेशेंट को तुम पेस्ट्रीज एडवाइस कर सकते हो। पेस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमेशा मेक श्योर कि तुम अल्सर को ट्रीट कर दो। अगर तुम वेट करो सर्जरी के लिए या कुछ भी करो, अगर तुम पेस्ट्री को बिना मतलब बिना अल्सर को ट्रीट के पेस्ट्री डालोगे, इट विल इंक्रीज द चांस फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि तुम एक फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर रहे हो, इट विल इंक्रीज चांस फॉर पेस्ट्री सॉरी इन्फेक्शन। ठीक है, फिर पेशेंट को तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि उसको कैसे डालना है, कैसे लगाना है, कब निकालना है, तुम्हें कैसे साफ करना है। साथ में तुम उसको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फॉरन बॉडी दैट यू आर इन सर्टन थ्रू वजाइना,
तो उसमें बेचारे डिस्चार्ज हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में डिफिकल्टी आ सकती है रिमूव करने में, और कई बार क्या होगा कि पैसे अपने आप एक्सपेल आउट हो जाएगा, पेशेंट को पता नहीं चलेगा. और पेस्ट्री शुड बी रिमूव विद इन एटलीस्ट इन 6 मंथ. पेस्ट्रीज जो है उसकी इंडिकेशन इज वेरी ओल्ड वुमेन, वही है नॉट विलिंग फॉर सर्जरी, अनफिट फॉर सर्जरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, सर्जरी के लिए वेट करो, या फिर माइनर यूरिनरी कंप्लेंट हो, तुम्हें उसको ट्रीट करना है. डिटेल में जाने का है. फिर आता है कीगल एक्सरसाइजेस में. कीगल एक्सरसाइजेस बेसिकली तुम्हारी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. इसमें क्या होता है बेसिकली, तुम पेशेंट को बोलोगे कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेल्विक मसल, पेल्विक डायफ्राम. उसमें क्या होता है, तुम पेशेंट को बोलोगे जैसे तुम अपने स्टूल को रोकते हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम्हें वो बार बार करना है. दैट इज योर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस. इसमें दो टाइप के हो सकते हैं, एक आइसोटोनिक और एक होता है आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक में क्या है, स्क्वीज एंड होल्ड योर लिवेटर एंड आई मसल, एंड आइसोमेट्रिक इज रैपिडली कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स. फिर है तुम्हारे सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट में आज पहले तो सिंपल होता है, विजाइनल हिस्टेक्टमी कर दो, बात खत्म. अब लेकिन विजाइनल हिस्टेक्टमी का प्रॉब्लम ये थी कि वो जो तुम्हारे जितने भी एंटेरोसील, सिस्टोसील और जो साइट बाकी लेटरल विजाइनल डिफेक्ट होते थे उसको रिपेयर नहीं कर सकते. तो आजकल आ गया साइट स्पेसिफिक रिपेयर, कि तुम पहले पॉपुलर साइट आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पर तुम्हारा मेजर डिफेक्ट है और तुम उसी को रिपेयर करो. ठीक है, फिर आता है तुम्हारा, उसके बाद तुमने रिपेयर कर दिया, साथ में हिस्टेक्टमी तो करने, क्योंकि यूट्रस तो बाहर आ ही रहा है. साइट स्पेसिफिक फॉलोड बाय विजाइनल हिस्टेक्टमी. विजाइनल हिस्टेक्टमी तुम्हारे लेवल पे कोई स्टेप्स नहीं पूछने वाला है, सो इट इज नॉट फॉर यू. फिर आता है तुम्हारा एंटीरियर विजाइनल वॉल प्रोलैप्स रिपेयर. उसमें तुम सिस्टोसील रिपेयर करते हो. एंटीरियर विजाइनल वॉल को तुमने कट किया, ठीक है, उसमें जो डिफेक्ट है उस पेशिया में उसको तुमने रिपेयर किया और वापस से उसको क्लोज कर दिया. मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करके तुमने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि जो डिफेक्ट है तुमने तो क्लोज करना ही है, तुमने वो कर दिया. उसके बाद जो तुम्हारा अब जो वजाइना है वो तो लैक्स पड़ी है ना, उसको भी तुम करोगे सही, नहीं तो वापस से टूट करेगा. जो लैक पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको तुम कट करोगे, वापस उसको रिपेयर करोगे. इसको हम कहते हैं एंटीरियर कॉल्पोरैपी, दैट इज टू प्लाइकेट द मसल्स ऑफ द वजाइना मस्कुलरिस एडवर्टेशन ओवरलाइंग द ब्लैडर, यानी प्यूबस सर्वाइकल पेशी, और टू प्लाइकेट द रीअटैचमेंट ऑफ पैरावजाइनल टिश्यू. ऊपर दिख रहा है, तुमने कट लगाया उसको ओपन करा, जितना भी नीचे एक्सेस पार्ट था तुमने उसको ई वाले में देखा, तुमने उसको प्लाइकेट कर दिया ढंग से, है ना. फिर जो तुम्हारा आसपास का जो तुमने एलिस से पकड़ रखा है वो सारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तुम उसको कट करोगे. फिर तुम बाहर के जो वजाइनल वॉल है उसको वापस क्लोज कर दोगे. दिख रहा है वो कट कर रहा है साइड से, जितना भी एक्सेस वजाइनल वॉल है तो कट करके वापस क्लोज कर दोगे. इससे तुम्हारा डिफेक्ट भी सही हुआ, दूसरा जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट था बजाने का वो भी कम हो गया. फिर आते हैं पोस्टीरियर वॉल रिपेयर पे. सिमिलरली जैसे तुमने एंटीरियरली किया वही तुम पोस्टीरियरली भी करोगे. पोस्टीरियर विजाइनल वॉल को तुमने कट किया, जितना भी एक्स्ट्रा फेशिया था उसको तुमने काट के उसको पहले डिफेक्ट को सही करा, फिर जो एक्स्ट्रा विजाइनल पार्ट था पोस्टीरियर वॉल का उसको कट करके उसको फिर तुमने वापस से सूचर कर दिया. ये पोस्टीरियर विजाइनल वॉल है, इसको तुम पहले कट कर रहे हो, फिर इसका जो डिफेक्ट है तुमने उसको सही किया, उसको प्लाइकेट किया, एंड देन जो एक्स्ट्रा विजाइनल वॉल है उसको तुमने कट करके इसको सूचर कर दिया. एंटीरियर सील करेक्शन में बस तुम्हें नाम पता होना चाहिए, कोई तुमसे प्रोसीजर कुछ नहीं पूछने वाला. इसमें तीन टाइप के हो जाएगा, तुम एब्डोमिनल कर तो उसको मॉस्कोपिक या हेल्डन सर्जरी बोलते हैं, और अगर तुम विजाइनल नहीं करते हो तो उसको मैकॉल कल्डोप्लास्टी बोलते हैं. फिर तुम्हारे ट्रीटमेंट ऑफ विजाइनल वॉल प्रोलैप्स में, इसमें तुमसे सिर्फ नाम नाम पूछेंगे, कोई तुम्हें डिटेल्स में नहीं जाएगा. इसमें दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव, एक होता है ऑपरेटिव. जो पेशेंट सेक्सुअली इनएक्टिव है, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है या बहुत एजेड है माता जी, जो इनएक्टिव बेसिकली सेक्सुअली इनएक्टिव इज द मेन क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटिव प्रोसीजर. इसमें क्या होगा, बेसिकली पूरे विजाइना को ही क्लोज कर देते हो ना, ओपनिंग ही नहीं तो कुछ प्रोट्रूड आउट ही नहीं करेगा. तो इसलिए इसकी प्री रिक्वेस्ट एक ही है मेजर, वो ये है कि पेशेंट शुड बी सेक्सुअली इनएक्टिव. तो उसमें तुम्हारा आता है लिफोस ऑपरेशन और टोटल कॉल्पोक्राइसिस. बाकी जो तुम्हारे इसमें अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो उसमें तुम क्या करोगे, सारा रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स करोगे. एक है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, एक है इंट्रा पेरिटोनियल. एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में तुम्हारा आता है कि सारे जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है वो तुम सारा पर विजाइनल नहीं करोगे, और इंट्रा पेरिटोनियल में तुम एब्डोमिन फुल करोगे. उसमें तुम्हारा आएगा सेकस स्पाइनस सस्पेंशन, इलियोकॉक्सिकल सस्पेंशन, हाई पैराविजाइनल सस्पेंशन, और तुम्हारा उसमें इंट्रा पेरिटोनियल में आएगा यूट्रोसेकस और मेटोसेकस. तुम्हारा इंट्रोइट्रल टाइटनिंग,
क्योंकि इसमें जो पेरिनल बॉडी है वो तुम्हारे लैप जाती है, तुम्हारे इंट्रोइटस जो है बहुत, जो नैरोएस्ट पार्ट है वो ही बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें एक सीसी स्टिच लेते हैं। इसमें क्या है, बेसिकली तुम एक ऐसे ट्रांसवर्स स्टिच लोगे, मतलब इंसिजन लोगे, ठीक है। लेकिन जब उसको तुम सूचर करना स्टार्ट करोगे ना, उसको वर्टिकली सूचर करोगे, समझ आ रहा है। तुम्हें दिया तो इसलिए ट्रांसवर्स नहीं, लेकिन जब तुम उसको स्टिच करोगे वो वर्टिकली करोगे, तो जो चीज तुम्हारी लैग थी वो अपने आप पास हो जाएगी। दैट इज योर इंट्रोइटल टाइटनिंग। फिर तुम्हारे आता है यूट्राइन प्रिजर्विंग सर्जरी। अब जरूरी तो नहीं कि जिसको भी प्रोलैप्स हो, वो या तो मेनोपॉजल हो या उसको आगे बच्चे नहीं चाहिए हो, ये भी तो सकता है आगे कि पेशेंट को आगे फैमिली आगे चाहिए हो, नली पैरस प्रोलैप्स हो उसको, या फिर एक अर्ली एज में प्रोलैप्स हो गया, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, इसके अंदर हम लोग यूट्रस प्रिजर्विंग सर्जरीज करते हैं। इसमें एक आता है मैनचेस्टर रिपेयर, उसको पोर्टिकल्स रिपेयर बोलते हैं, एक आता है इसका मॉडिफिकेशन यानी शिडोल्कस मॉडिफिकेशन आता है, और एक आता है सेक्रल हिस्टेरेक्टॉमी। मेन तुमसे इसके अंदर जो पूछेंगे वो है मैनचेस्टर रिपेयर, और उसमें तुमसे पूछेंगे इसके पांच मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। पहला है कि तुम उसकी पेशेंट डीएनसी करके देखोगे उसका सर्वाइकल ऑस इज ओपन। दूसरा है कि तुमने एंटीरियर कॉल्पोग्राफी, जो एसोसिएटेड सिस्टोसिस या रेक्टोसिस कुछ भी था, तुमने वो रिपेयर किया। तीसरा है कि इसमें नॉर्मली सर्वाइकल पार्ट ही लंबा होता है, इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए आगे प्रेगनेंसी के हिसाब से, उसमें जो तुम्हारा सर्विक्स है उसको तुम एम्पुटेट करोगे, सिर्फ सर्विक्स को काटोगे। फिर अब सर्विक्स के ऊपर तुम्हारी मैकेन रॉड की अटैचमेंट होती है, और क्या कहते हैं बाकी जितनी यूट्रोसेक्युलर्स की अटैचमेंट होती है। तुम्हें जो तुमने सर्विक्स काटा है, जो अब लिगामेंट बाहर खुले पड़े हैं, उसको तुम्हें नई जगह पर रिप्लेस करना है, तो तुम उसको जो तुम्हारे मैकेन रॉड लिगामेंट है उसको तुम सर्विक्स से हटा के उससे ऊपर करोगे प्लेस, और साथ में कोई भी एंटेरोसीलिया तो क्या कहते हैं रेक्टोसीलिया तो उसको रिपेयर करना है। जो मॉडिफिकेशन है फॉर द गर्ल्स का जो श्रोतकर है, उसमें यह है कि तुम एम्पुटेशन सर्विस अवॉइड करते हो, तो इसमें प्रेगनेंसी लगने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं। फिर है तुम्हारा नली पैरस प्रोलैप्स, उसमें जो है तुम्हें नाम पता होने चाहिए सर्जरी तो तुम्हें जो ट्रीट करनी है। इसमें अगेन तुम हिस्टेक्टमी तो कर नहीं सकते हो, तो इसमें तुम लोग स्लिंग लगाते हो। स्लिंग का मतलब क्या है कि तुमने एब्डोमिनली ओपन किया, उसके अंदर यूट्रस पे एक धागा या कोई भी मेश लगाई, और उसको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाके तुमने अटैच कर दिया, यानी उसको खींच के ऐसे ऊपर, समझ रहे हो प्रिंसिपल, समझ आ रहा है इस चीज का। एब्डोमिनली ओपन किया तुमने किसी भी एक्स वाई जेड जगह जो भी थी सर्विस पर, तुमने एक मेश या सूचर लिया और उसको तुमने किसी ऊपर या तो तुमने सेक्रम से बांध दिया, या तुमने एंटीरियर एएसआईएस से बांध दिया, या तुमने उसको रेक्टस शीट से बांध दिया ताकि वो ऊपर खींच जाए वापस, तुम इससे करते हो। इसमें तुम्हारे जो ऑपरेशन जिसमें आता है एक शिरोत्कर, एक आता है पुरंदरे, एक आता है खन्ना। मेन तुम्हारे तीन यही है, बाकी जो नाम है तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम्हारे लेवल पे नहीं है। फिर है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, ऑपरेटिव हो सकती हैमरेज ट्रॉमा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिल रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसको सेलुलाइटिस हो जाए, एब्सेस बन जाए, लेटली उसको डिस्पेरुनिया हो सकता है, रिकरेंस हो सकता है, वीवीएफ या आरवीएफ हो सकता है। पेशेंट को आफ्टर तुम्हें सिक्स मंथ बाद फॉलोअप सर्जरी के लिए बुलाना है, और अगर मैश लगी है तो मैश की सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो बोन इन्फेक्शन और साइटिस बहुत कॉज करती है। तुम इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस पे प्लेस करते हो मैश को, तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आजकल मैश लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, रेयर प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। अगर कर रहे हैं तो हमें मैश एक्सपोजर के लिए चेक जरूर करना है।